कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो कि आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी आशा करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, तीधा फिर ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिया गया नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्रेस आया बॉटम में, यहाँ पे एम्परर भी है। आपके पार्टनर टॉस होगा कि आपने कौन वृषभ करना, मकर राशि, जैमिन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पे, मेष, सिंह, धनु राशि। नंबर 1, 7, 12, 4, 1, 20, 12, 14, 15 आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है, ठीक है। तो ये चांसेस स्ट्रांग है आपके इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई बच्चा है। अगर आप सेंटर में देखोगे यहाँ पे, जैसे कि आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं और जो कि अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आज रात ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले, रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। यस, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है रोमांटिक थर्ड पार्टी का। इनको ऐसा लगता है कि मतलब होता है ना, पता नहीं कौन सा ज़बरदस्ती का बर्डन मेरे सर पर लाकर रख दिया है, ऊपर से बच्चा भी आ गया, मैं करूँ क्या। इनको ना बहुत दुख होता है, जैसे कि इनसे शादी करके और जो बच्चा है इन्होंने जैसे कि पैदा कर लिया है, डेफिनेटली शादीशुदा पर्सन है। इनको ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान रहेंगे बहुत ज़्यादा आपके इस रिलेशनशिप से। जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी, अगर उसके साथ जैसे कि बच्चा है, अगर बच्चा नहीं होता ना तो ये पर्सन ईजिली आपके साथ जैसे कि रिश्ते में चले आते। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो गलती मैंने करी है कि इसको छोड़ के, मतलब कि ये ओवर थिंकिंग करने वाले, इन्होंने किस तरह से आपको छोड़ा, किस तरह से इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को अपनाया, और जैसे कि अपनाने के बाद रियलाइज़ हो गया कि सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही थी कि इन्होंने आपको चीट किया। ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जा चुके आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो। अभी करंट में इनको आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है, डेविल की एनर्जी से यहाँ पे इनको आपका बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है इस वक्त। इनको अच्छे से पता है कि आपको भी कितना एडिक्शन है इनका, लेकिन आपका लेकिन आपकी प्रॉब्लम यह है कि अभी मुझे कितना भी एडिक्शन हो, कितनी भी आदत हो, कितना भी मैं प्यार करूँ तुझसे, लेकिन अब तो तू मेरे पास तभी आएगा जब ये थर्ड पार्टी, जब ये तेरा बच्चा, इनका तू कुछ सेटल करेगा उनको। अगर तू उनको मेरे रास्ते से नहीं हटाएगा तो शायद मैं कभी भी ज़िंदगी में तेरे पास नहीं आऊँगी। जितना मैं तुझसे प्यार करती हूँ, जितना मुझे तेरी आदत है, उससे भी कई ज़्यादा तुझे मेरी आदत लग चुकी है। तो अब मैं क्यों मतलब झुकूँ आपको झुकने के लिए? आप करंट में झुकने के लिए रेडी नहीं हो। आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी अच्छे से पता है, आप बहुत चेंज हो चुके हैं। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, आपकी जैसे कि सोचने का तरीका बदल चुका है। आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते थे, अब जो कि आप मतलब अपना दिमाग लगाकर सोचने लगे हो, प्रैक्टिकली सोचने लगे हो। आपका इस वक्त भी दिल कर रहा है इनसे बात करने का, लेकिन आप नहीं करोगे। आप इनको ईगो दिखा रहे हो, जो कि आपको आपकी ईगो वाली एनर्जी आपके पार्टनर को भी फील हो रही है, इसी वजह से ये भी आपको ईगो दिखा रहे हैं। इनका ऐसे ही कि अच्छा मतलब तू इस तरह से करेगी तो अब मैं भी तुझे दिखाता हूँ, मुझे भी पता है तू कैसी है, तुझे किस तरह से झुकाना है, मैं तुझे झुका कर ही रहूँगा। ये एम्परर है, मतलब कि ये आपको अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं। भले मैंने कुछ भी किया है, गलती मेरी हो, लेकिन झुकेगी तो तू ही। इनके इस तरह से ये सब पॉइंट्स का कार्ड है यहाँ पर। डेफिनेटली आप इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इंतज़ार करोगे कॉल मैसेज का। अगर आपने इनको कुछ कॉल मैसेज करके रखा है तो आपको लगेगा कि ये बात करेगा, लेकिन आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। आप कन्फ्यूज रहोगे आज रात भर। आपको जैसे कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड यही शो करता है कि आपके माइंड में आएगा कि शायद ये एक, वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन तो है, तो शायद ये पता नहीं किसी और से चैटिंग वैटिंग करने लग गया है, किसी और के साथ रिश्ते में जा चुका है, क्योंकि इसको पता ही इतना सेल्फिश है। थर्ड पार्टी अगर नहीं निकलेगी ना तो ये जाएगा बाबा किसी और के पास, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जैसे कि किंग ऑफ कॉइन से आपको ऑफर करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, क्योंकि चांसेस स्ट्रांग है। अगर आप 2-4-5 सालों से नो कांटेक्ट में चल रहे हो ना, इन्होंने 100% कई और हाथ पैर मारे हैं, मतलब कि इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के अलावा भी इन्होंने किसी और को ट्राई किया है, और जो कि उसके बाद इनको ये पता चल चुका है कि भले मैं 1, 2, 3, 4 कितनों को भी ट्राई करूं, सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन तो सिर्फ आप ही के साथ है, क्योंकि इन्होंने दिल से आपको स्वीकार किया था, आपको पसंद किया था, और आप एक ऐसे पर्सन हो कि जो कि इनकी सारी ज़िदें एकदम अच्छे से कंप्लीट करते थे, तो इनको आप ही की ज़रूरत है, इनको ये अच्छे से पता है। तो आप जो कि
भले मुझे कितनी भी ज़रूरत है लेकिन मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर ईगो दिखाओगे तो ये भी आपको ईगो ही दिखाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको जैसे कि इस तरह से फील कराना चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में खुश है, जो कि ये खुश नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज करके रखेंगे। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट कर दे आज रात को, जो फोटोज आपके सामने आ जाए, जिनको देख के आपको फिर से जैसे कि डर लगने लगे, कंफ्यूज होने लगो, आपको शायद इनको लेके कोई सपना आएगा, जो इन्होंने आपके साथ पास में कुछ गलत किया था, आपका कुछ झगड़ा हुआ था, ऐसा कुछ सपना आपको आने के चांसेस है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं यार, मतलब क्या ये सब कुछ मेरे ही साथ होना था, क्या टॉवर मेरी ज़िंदगी में आना था और मुझे ही इस सेल्फिश पर्सन से प्यार होना था। आपको ये फील होगा आज रात बहुत ज़्यादा, ठीक है। फोर ऑफ सोर्स वाली एनर्जी से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपने इस पर्सन से प्यार करके सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती कर ली है, और आपके पार्टनर को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है कि इन्होंने आपको चीट करके सबसे बड़ी गलती कर ली है। यहाँ पे जैसे कि ये आपको बैलेंस करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ये थर्ड पार्टी को पसंद नहीं करते, उनको अपनी ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, लेकिन करंट में कैसे निकालें इनको पता नहीं है। टॉर्टोइस यहाँ पे शो करता है कि इन्होंने बहुत हिम्मत बना के अपने आप को रोक के रखा है, बड़ी मतलब आएंगे आपके पास, थोड़ा सा लेट आएंगे, ठीक है। ये जब तक कि इनका ईगो टूटता नहीं है तब तक ये नहीं आएंगे। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर करके अपना प्यार अभी भी शो करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपको और ज़्यादा ईगो दिखाएंगे और आपको लेट रिप्लाई करेंगे, फिर इस तरह की एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। चांसेस स्ट्रांग ये पर्सन आपको जानबूझकर तड़पा रहे, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये जानबूझ के मतलब मेरी ही गलती है लेकिन फिर भी मैं कभी सॉरी नहीं बोलूँगा, ये कभी भी आपको सॉरी नहीं बोलते, पहले भी नहीं बोलते थे और आज भी बोलने के लिए रेडी नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल एडिक्शन होने वाला है आज रात आपको, और जैसे कि आपके ऊपर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जैसे इनकी बातें नहीं मानते, अगर आप उनकी बातों में आते ना पहले जैसे, तो ये आज भी आपका उसी तरह से फ़ायदा उठाने के लिए रेडी है, इस तरह की एनर्जी फिर, ठीक है। ये इनको ऐसा लगता है कि ये आपको मतलब देखिए आपके साथ रिश्ते में आना भी चाहते हैं, लेकिन जजमेंट का कार्ड और जो कि किंग ऑफ कॉइंस है, दोनों ही कार्ड यही शो करते हैं कि आपको इंतज़ार कराना चाहते हैं, या आपके ईगो मतलब करंट में आपकी जो एनर्जीज है ना, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, जो आपके अंदर एटीट्यूड आया है, जो आपको कॉन्फिडेंस आया है, तो ये ना आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं देख पा रहे हैं। ये आपको जैसे कि पहले जैसे मतलब कि टूटा हुआ, रोता हुआ और जैसे कि इन्हीं के लिए मरता हुआ ऐसे देखना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज, ठीक है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं करंट पे, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ट्रू मैसेज यूनिवर्स, इस वक्त मेरे रिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे रिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे रिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे रिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एक ही कार्ड के हनीमून, एंजॉय द ब्लीस ऑफ हॉलीडेज टाइम टुगेदर। मैंने बोला ना ये आपको जैसे कि डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यही बता रहे, मैंने बोला है आपको कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, थोड़ा सा लेट आएंगे, हनीमून यही शो करता है कि आप ये आपसे शादी भी करेंगे, ये करंट में बैलेंस नहीं कर पा रहे लेकिन ये बैलेंस भी करेंगे, ये सब कुछ ठीक करेंगे, आएंगे आपके पास, ठीक है। आपका इनके साथ शादी डेफिनेटली है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। बहुत जल्दी आपके इस रिलेशनशिप का डिवाइन टाइम आ जाएगा, एंजल्स आपको खुद बता रहे हैं, ठीक है। सब कुछ ठीक होने वाला है, बस आपको यहाँ पे जजमेंट का कार्ड यही शो करता है कि इंतज़ार करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी, स्क्रीन पे दिया गया नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।